आजकल मार्केट में एक नया शब्द गूंज रहा है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर क्या है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मोहम्मद तुफैल, चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 में घोषित किया था। यह लगभग 34 साल बाद शिक्षा जगत में होने वाला अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। कैबिनेट के बैठक में इसको जो है इसी साल मंजूरी दे दी गई है और इसे 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार लागू कर रही है। लेकिन हाँ, अभी तक राज्य सरकार का इस पर कोई बयान नहीं आया कि वो इसे लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो सरकार अभी इस पर कैसे काम करेगी, अलग अलग राज्यों में यह किस तरह से तैयार होगा, इस पर अभी कोई स्पष्ट वार्तालाप नहीं हुई है। आइए जानते हैं अब भारत सरकार ने इस नई शिक्षा नीति में क्या कहा है। पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारी पढ़ाई व्यवस्था जो थी वो 10+2 सिस्टम पर आधारित थी, लेकिन अब इस सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 सिस्टम कर दिया गया है। क्या है आखिर 5+3+3+4 सिस्टम, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। 10+2 सिस्टम में क्या था पहले? पहले ये होता था कि आप 6 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, लेकिन वहीं पे जो है नई शिक्षा नीति यानी NEP, जिसे हम NEP बोलेंगे आगे, उसमें जो है आपका बच्चा जब 3 साल का हो जाए तो उसका एडमिशन आंगनबाड़ी या नर्सरी में करवा सकते हैं। दूसरा मेजर परिवर्तन क्या हुआ कि 10+2 में हमें हाई स्कूल का एग्ज़ाम यानी 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम देना होता था, लेकिन वहीं पे जो है NEP में जो है ये सिस्टम हटा दिया गया। आपको हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन हाँ 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा। 10+2 सिस्टम में क्या था कि यहाँ पे बच्चे के ऊपर जो है सिलेबस का बोझ हुआ करता था, लेकिन NEP में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट चाहे चूज कर सकता है और उस पर अध्ययन कर सकता है। चलिए NEP को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। NEP यानी कि नई शिक्षा नीति जो है उसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, 5+3+3+4, जहाँ पे ये 5-3-3-4 जो है वो एक गैपिंग दिखा रहे हैं ईयर्स का यानी साल का। जैसे हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो 5 साल का है, वहाँ पे जो 2-3 लिखा गया है उसका मतलब है कि वो 3 ईयर का प्रोग्राम है। वहीं पे जो तीसरा 3 लिखा गया है यानी सेकंड 3 जो है वो 3 ईयर का फिर से प्रोग्राम है, एंड जो 4 लिखा गया वो 4 साल का प्रोग्राम है। जो 5 साल का प्रोग्राम है उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। तो फंडामेंटल में क्या होने वाला है, जब आपके बच्चे की एज जो है 3 या 4 साल हो जाए तो आप उसका एडमिशन जो है नर्सरी में करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो जूनियर KG यानी जिसे हम जो है LKG भी कहते हैं, और उसके बाद सीनियर KG यानी UKG में, उसके बाद वो 1st क्लास एंड 2nd क्लास में स्टडी करेगा। लेकिन इस स्टडी में जो होगा पहले की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा। इस स्टडी में जो है बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज यानी जिस भाषा में वो बात करता है उस भाषा में जो उसे सिखाया जाएगा, चीज़ों को वो आसानी से समझ सकेगा, सीख सकेगा। यही जो है इस फंडामेंटल में होने वाला है, यानी जब वो जाएगा स्कूल में तो उसे जो है चीज़ें एकदम बिल्कुल उसी की लैंग्वेज में बताई जाने वाली है। जब बच्चा फंडामेंटल में धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएगा खेल कूद में अपनी भाषा में, तो उसे जो है प्रीपरेटरी में डाल दिया जाएगा, यानी उसे जो है अपर क्लासेस यानी 3-4-5 क्लास में रखा जाएगा, जो ये 3 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें जो है बच्चे को जो है लगभग रीजनल लैंग्वेज में भी ये किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी और उसी लैंग्वेज में उसे पढ़ाया और सिखाया जाएगा। हालांकि इस 3 सालों में जो है बच्चों को एग्ज़ाम भी देना होगा जिसमें उन्हें जो है पास होना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद जो शुरू होता है हमारा 3 ईयर का अगला प्रोग्राम जो मिडिल प्रोग्राम होगा, हमारा यहाँ का मतलब है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत से, तो उस 3 ईयर के प्रोग्राम में क्या होने वाला है, बच्चा 6th, 7th और 8th क्लास में स्टडी करेगा। और इस क्लासेस में जो होगा बच्चा अपनी मनपसंद की चीज़ों को पढ़ सकेगा, और इसी मिडिल में जो होगा बच्चे के अंदर जो है अदर एक्टिविटीज़ यानी बच्चा जो करना चाहता है मन से, जैसे अगर कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई कलाकारी करना चाहता है, या कोई कुछ बनाना चाहता है, या किसी को जो है कारपेंटरी का शौक है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो इसमें कर सकता है। और इसके लिए जो है सरकार व्यवस्था करेगी कि जो है बच्चा
अपने ही आसपास जाके कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह भी कर सके, और ऐसे टीचर्स भी हायर किए जाएंगे जो इन सब चीज़ों में बच्चे की रुचि को और बढ़ा सके। चलिए अब 4 साल के प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 ईयर के प्रोग्राम को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोग्राम। इसमें जो है क्लास 9, 10, 11 और 12 के क्लासेस रद्द कराई जाएंगी। इस सारी क्लासेस की जो एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, और इसमें जो है सबसे खास बात ये होने वाली है, बच्चा जो है अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। पहले क्या होता था 10+2 में कि बच्चा जो है साइंस साइड से जाना जाता था या कॉमर्स साइड में जाना जाता था या आर्ट साइड में, तो उसको उसी के हिसाब से जो है सब्जेक्ट्स दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है। अगर आपको जो है केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़नी है तो आप वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको जो है मैथ के साथ साथ जो है जियोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है या किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसके साथ ले सकते हैं। तो ये है NEP का बहुत ही बड़ा फायदा। चलिए अब बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन में क्या होने वाला है इसके साथ में। हायर एजुकेशन में जो है एक MPhil की डिग्री होती थी उसे यहाँ से हटा दी गई है। अब आप जो है MPhil ना करके डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। अगर आपको MPhil के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप बताइएगा, हम आपके लिए एक वीडियो उसके बारे में बना देंगे कि MPhil और PhD में या और डिग्रीज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए तो जो ग्रेजुएशन के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया उसे कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। इसमें क्या होने वाला है ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में जो होता है हमारा पहले क्या होता था 3 साल या 4 साल का टोटल ग्रेजुएशन होता था। अगर बीच में जो है कोई बच्चा जो है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जो है स्कूल कॉलेज को छोड़ के चला जाता था तो उसकी जो डिग्री होती थी वो भी रद्द हो जाया करती थी, अगर वो जो है बच्चा लौट के वापस आके अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब वो बच्चा क्या कर सकता है, उसका जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ उस बच्चे ने 1 साल कंप्लीट किया है। और अगर जो सेकंड ईयर कंप्लीट करता है तो उसे क्या मिल जाएगा, एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी डिप्लोमा मिल जाएगी। और थर्ड ईयर में जाते जाते उसे डिग्री मिल जाएगी, यानी थर्ड ईयर जैसे ही वो पास आउट होगा उसे क्या दे दिया जाएगा, एक डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन हाँ ये डिग्री जो है सिर्फ उन छात्रों को मिलेगी जो आगे की पढ़ाई या हायर स्टडी नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद फोर्थ ईयर में उन्हें जो है एक डिग्री दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जो आगे की पढ़ाई इन द सेंस हायर स्टडी करना चाहते हैं उन्हें दिया जाएगा। तो इस डिग्री से जो होगा वो क्या कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को MA करना है, तो अगर ये MA करना है तो अब वो जो है MA 2 साल में ना करके एक ही साल में अपना कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जो डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर सकता है और अपनी PhD भी आसानी से रिसर्च के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में जो भी उसे करना होगा उस फील्ड में अच्छे से कर सकता है। देखिए अगर कोई चीज़ आती है तो उसके कुछ फायदे और नुकसान भी होते हैं। फायदे तो हमने आपको गिना दिए कि कितने सारे फायदे होने वाले हैं नई शिक्षा नीति यानी NEP से, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो खड़े हो जाते हैं। तो उन सवालों के जवाब से कैसे जो है केंद्र सरकार निपटेगी या राज्य सरकार निपटेगी ये बड़ा मुद्दा है। सबसे पहला सवाल जो खड़ा होता है कि यहाँ पे जो है लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं दिया गया स्टार्टिंग में। तो मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा है वो जो है इस समय जो है अपने फैमिली के साथ महाराष्ट्र में रह रहा है या कहीं और रह रहा है, तो वहाँ से जब वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं उसकी फैमिली वाले तो बच्चा भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होने वाला होगा कि बच्चे को जो है नई लैंग्वेज फिर से सीखनी पड़ेगी। तो इसमें जो है बच्चे को बहुत तकलीफ होगी क्योंकि अब वो जहाँ जाएगा उसे वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को सीखनी होगी और उसमें जो है बात करनी होगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है टीचर्स की, इतने ज़्यादा टीचर्स सरकार कहाँ से लेके आएगी। अभी जब ये हाल है कि जब 10+2 वाला सिस्टम है जिसमें सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना रहता है, प्रैक्टिकल उतना ज़्यादा नहीं होता है, तब टीचर्स की कमी है। आप जरा सोचिए जब प्रैक्टिकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है जहाँ पे जो है बच्चे अपने मनपसंद के कार्य करने वाले हैं तो बच्चों के मनपसंद के हिसाब से भी टीचर्स भी होने चाहिए जो उनको जो है बढ़ावा दे सके। तो इतने ज़्यादा टीचर्स इतनी अधिक मात्रा में कैसे लेके आएगी सरकार। आज के वीडियो में बस इतना ही, आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कैसे लगी नई शिक्षा नीति और इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। Thank you for watching the video.